आलिम दीन ना अपने बच्चों को बैठे समझा रहे होते हैं फिका का एक मसला, तो उनको बता रहे होते हैं कि क्या निशानी है, फजर तुलू हो गई है, रोशनी हो गई है। कुछ उनको निशानियां बताते हैं कि अगर दूर उफक के ऊपर आपको एक सफेद लाइन नजर आना शुरू हो जाए, सुर्खी नजर आना शुरू हो जाए, तो इसको मतलब कि रोशनी हो गई है। या आपके पास अगर एक काला एक सफेद धागा है और आप उसमें फर्क कर लो कि दिस इज द वाइट वन, दिस इज द ब्लैक वन, तो इसका मतलब रोशनी हो गई है। या अगर दूर दरख्त लगे हुए हैं कहीं पे और उन दरख्तों में आप दूर से देख के फर्क कर लो कि ये शीशम का दरख्त है, ये बेरी का दरख्त है, ये फला दरख्त है, मतलब उनके पत्तों की पहचान होना शुरू हो जाए, इसका मतलब रोशनी हो गई है। अब इस किस्म की डिस्कशन कर रहे होते हैं तो एकदम से ना उनके जहन में एक पॉइंट आता है, डिफरेंस आ गया, मैं बच्चों को ना एक सोच के लिए चीज दे के जाऊं। उनसे कहते हैं अब मुझे बताओ कि क्या निशानी है रोशनी की, रोशनी की निशानी क्या है। तो सारे के सारे बच्चे ना यही बातें रिपीट करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि आपने भी बताया कि सफेद रोशनी नजर आना शुरू हो जाए, दरख्त के पत्तों में फर्क पता लगना शुरू हो जाए, धागे में फर्क पता चलना शुरू हो जाए। जब सारी ये बातें बता चुकते हैं ना, जो रूटीन की बातें होती हैं, तो वहां पे आके उनसे पूछते हैं बस खत्म खत्म। आगे ना एक लाइन में उनको जिंदगी की फिलॉसफी बताते हैं जिसमें हमारे लिए सबक है। उनसे कहते हैं कि अगर आप किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी आंखों से उसकी जरूरत पढ़ लो तो समझो रोशनी आ गई है। अगर आप किसी जरूरतमंद को देख के उसकी आंखों से उसके चेहरे से उसकी जरूरत पढ़ लेते हो तो इसका मतलब रोशनी आ गई है। ये वो रोशनी है जो हमने फैलानी है ताकि हम कारामद हो जाएं। हैंडसम, हम अक्सर एक लफ्ज सुनते हैं और हमारे नजदीक हैंडसम की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ये है कि द पर्सन हु इज लुकिंग स्मार्ट, द पर्सन हु इज वेल ड्रेस्ड, द पर्सन हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, हम कहते हैं हैंडसम है। जबकि मैंने एक दफा हैंडसम की एक डेफिनेशन सुनी और उसमें हमारे लिए कितना बड़ा सबक है, वो कहते हैं हैंडसम इज समवन हु लेंड्स हिज हैंड टू समवन फॉर हेल्प। Everyone who lends his hand to someone for help is handsome. और वाकई ऐसी बात है कि खूबसूरती जो है वो आपके चेहरे में नहीं है बल्कि यहाँ पे अंदर है, रोशनी है, अंदर की रोशनी है जो आपका चेहरा भी रोशन कर देती है। कि एक बुजुर्ग का इसी तरह से कॉल है कि अगर आपकी आंखों में खूबसूरती है तो आपको दुनिया खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर आपके अंदर खूबसूरती है तो फिर आप दुनिया को खूबसूरत लगते हैं। अब ये अंदर की खूबसूरती, अंदर की रोशनी है जिसकी वजह से हम दुनिया को खूबसूरत लगते हैं। ये हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा करेक्टर है जिसकी वजह से या हम लोगों के दिलों में उतर जाते हैं या हम दिलों से उतर जाते हैं।